दोस्तों अगर हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है अगर उनका लेवल कम हो जाता है तो उसके कारण हमें खुशी महसूस नहीं हो पाती, उसके कारण हमारे अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमें घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, पैनिक के अंदर हम लोग चले जाते हैं। तो अगर हम इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हमें हमारे दिमाग के हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स जो सीरोटोनिन और डोपामिन है उसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बढ़ा सकते हैं। पावरफुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे हम हमारे दिमाग के अंदर सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे साइंटिफिक प्रोसेस को बहुत अच्छे समझिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों हमारे अंदर जितने भी खुशी के रसायन हैं, हमारे दिमाग में जितने भी खुशी के रसायन हैं, इन्हीं के कारण ही हमें हैप्पीनेस फील होती है, इन्हीं के कारण ही हमें आनंद महसूस होता है, इन्हीं के कारण ही हमें मजा आता है। ये कौन से हैं? आपके सीरोटोनिन है, आपका डोपामिन है, जिसके कारण आपको बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बड़ा ही आनंद आता है। ये जो खुशी के रसायन है, ये खुशी के रसायन कहां से निकलते हैं? कोई भी जो रसायन है वो फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है। जैसा हमारे आसपास केमिकल्स की अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां हैं, उसी तरह से दिमाग के अंदर भी ये जो रसायन निकल रहा है तो दिमाग के अंदर भी क्या है, इसकी फैक्ट्री है। तो वो जो दिमाग के अंदर जो फैक्ट्री है उनको सीरोटोनर्जिक और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन्स है जो स्पेसिफिकली सीरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग के अंदर सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ता है, जिससे हम हैप्पीनेस फील करते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं, हम मजा महसूस करते हैं। किसी कारणवश अगर हमारे ये न्यूरॉन्स, ये जो फैक्ट्री हैं, अगर फैक्ट्री में काम कम हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर मजदूर ने काम करना बंद कर दिया, मशीनरी काम नहीं कर रही, तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी भी कारणवश अगर ये न्यूरॉन्स जो है इन्होंने काम करना कम कर दिया, ये जो न्यूरॉन्स है इन्होंने काम करना बंद कर दिया, अगर ये कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो सीरोटोनिन और डोपामिन है उनका लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके कारण हमें डिप्रेशन, हमें एंजाइटी, हमें पैनिक, हमें ओसीडी, अलग अलग प्रकार की मानसिक परेशानियां घेरने लग जाती है। तो यहां पर ये चीज तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी में ना जाएं, तो हमारे दिमाग में जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स हैं उनका लेवल बढ़ा रहे। अच्छा, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल कब बढ़ा रहेगा? जब हमारे ये न्यूरॉन्स है वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, मतलब जो फैक्ट्री है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। अच्छा, ये फैक्ट्री बढ़िया तरीके से काम कैसे करेगी, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फैक्ट्री गड़बड़ कैसे कर देती है, मतलब इस फैक्ट्री की जो फंक्शनिंग है वो डाउन कैसे हो जाती है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। दोस्तों जब भी इस फैक्ट्री के जो न्यूरॉन्स है उनका इन्फ्लामेशन होता है, जब भी इनका इन्फ्लामेशन होता है तो ये फैक्ट्री है वो कम काम करना शुरू कर देती है, जिसके कारण ये कम हो जाते हैं, उसके कारण फिर हमारा चेहरा उदास हो जाता है, घबराहट होने लग जाती है। तो यहां पर इनका इन्फ्लामेशन क्यों होता है? जब भी हमारा दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, जब भी हमारा दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है तो इनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्यों जाता है? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दरमियान खूब सारे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ये क्या कर देते हैं, आपके न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन कर देते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्यों जाता है? क्योंकि अगर हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है, अगर हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं हो रहा, दिमाग के अंदर लगातार ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आपका दिमाग किस में चला जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाएगा। सामान्यतः हमारे दिमाग की फंक्शनिंग क्या होती है कि हम रात को सोते हैं, जैसे ही आप रात को सोते हो आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाता है, और जैसे दिमाग शांत हो जाता है सुबह जब आप उठते हो उस समय आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, फिर पूरे दिन आपका दिमाग काम करता है, दिमाग के अंदर क्या चल रहे होते हैं, थॉट्स चल रहे होते हैं कई तरह के, और शाम को जाते जाते आपका दिमाग पूरा रिलैक्स हो जाता है, और रात भर जब आप सो लेते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो दिमाग के अंदर जितना भी कचरा भरा है
जितने भी फ्री रेडिकल्स क्रिएट हुए हैं, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठा हुए हैं, वो सारे के सारे केमिकल्स क्या होते हैं, रात को साफ हो जाते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा, दिमाग के अंदर लगातार ओवरथिंकिंग चल रही है, समझना इस चीज को कि एक नॉर्मल ब्रेन के अंदर और एक जो बीमार ब्रेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल ब्रेन है वो सुबह काम करता है, पूरे दिन काम करता है, शाम को शांत हो जाता है, और फिर पूरे दिन जब वो रात भर रेस्ट करता है तो उसमें से जितनी भी उसका एनर्जी रिस्टोरेशन वाला प्रोसेस है वो सारा का सारा हो जाता है, फ्री रेडिकल्स हार्मफुल केमिकल्स सारे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक जो बीमार ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो रिलैक्स नहीं कर पाता। मतलब आप मान लीजिए कि एक गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी को आप लगातार लगातार चलाए ही जा रहे हो, आप उसको रेस्ट नहीं करवा रहे, तो गाड़ी का जो कूलेंट होता है ना वो भी जवाब दे देगा, गाड़ी का इंजन है वो हीट करने लग जाएगा, जिसके कारण आप गाड़ी के अंदर दिक्कत स्वाभाविक है, दिक्कत होने ही वाली है। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है, अगर हम उसको लगातार 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 चलाए जा रहे हैं, लगातार हमारा दिमाग अगर चले जा रहा है, तो हमारे दिमाग के अंदर हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, और ये जो हार्मफुल केमिकल्स है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लामेशन और उसके बाद में ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर गड़बड़ होती है, जिसके कारण हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स का लेवल कम हो जाता है। तो यहां पर एक चीज हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई कि अगर हमें खुशी के हार्मोन्स का स्तर बढ़ाना है, अगर हमें खुशी के हार्मोन्स का स्तर बढ़ाना है तो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कब होगा, जब हम हमारी जो ओवरथिंकिंग है उसको हटाएंगे, मतलब हमारा जो दिमाग है वो शांत होगा। जब हमारा दिमाग शांत होगा तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का एक और तरीका है, नेचुरल तरीका, जो माइंड टॉनिक के रूप में है, जो आप यूज कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये भी क्या करता है कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम कर देता है, जिससे आपके अंदर एक ईजीनेस डेवलप होती है, आपके जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है वो बढ़ जाते हैं। और इसका जो परमानेंट कम करने का जो तरीका है, ये तो एक सपोर्ट के तौर पे आपको एक सहारा मिल जाता है, लेकिन अगर हम इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं, परमानेंटली ठीक करने के लिए हमें हमारी जो ओवरथिंकिंग वाला मामला है इसको सही करना पड़ेगा, हमें हमारे दिमाग को शांत करना पड़ेगा, या फिर हमें हमारे दिमाग को शांत करना सिखाना पड़ेगा कि भाई अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, अपने आप को शांत कैसे करते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली ओवरथिंकिंग क्यों होती है, क्यों हो रही है। दोस्तों, हमारा जो दिमाग बना है वो दिमाग किसी ना किसी समस्या को सुलझाने के लिए बना है, या किसी कमी को पूरा करने के लिए बना है। हमारा जो दिमाग बना है वो किसी समस्या को सुलझाने के लिए बना है या किसी भी कमी को पूरा करने के लिए बना है। अगर वो कमी वास्तविक है, अगर वो समस्या रियल है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पास में आग लग गई है, तो वो आग मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एक समस्या पैदा कर सकती है, तो यहाँ पे दिमाग का काम, दिमाग मुझे यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ पर दिमाग काम करेगा और समस्या से जैसे ही मैं हटूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन। मतलब उस समस्या का जब सॉल्यूशन मिल जाता है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो उसके लिए मुझे खाना प्रोवाइड करवाना, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी हो गई, तो उस एनर्जी को एक्सटर्नली मैं कैसे ले सकता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है तो मैं पानी ले लूँ, मेरी बॉडी के अंदर फूड की कमी हो रही है तो फूड की कमी ले लूँ, ताकि मैं मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूँ। तो समस्या अगर वास्तविक है, कमी अगर वास्तविक है, तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। और जब उसका सॉल्यूशन हो जाता है, जैसे ही समस्या का सॉल्यूशन हो गया, अब आपके दिमाग का काम नहीं है, तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। हमारा दिमाग शांत हो जाता है, ये ओवरथिंकिंग के अंदर नहीं जाता, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर नहीं जाता, आपके न्यूरॉन्स से वो प्रॉपर ऑप्टिमम फंक्शनिंग लेवल पर काम करते रहते हैं, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स बढ़े रहते हैं, जिसके कारण आपके अंदर आनंद महसूस होता रहता है, मजा महसूस होता रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा, दिमाग शांत नहीं होगा, कब नहीं होगा दिमाग शांत, जब समस्या सुलझती नहीं है। अच्छा, समस्या कब नहीं सुलझती, जब समस्या वास्तव में होती ही नहीं है बट हमारी मानी हुई होती है, जब समस्या होती ही नहीं है लेकिन हमारी मानी हुई होती है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं हैं, तो उसके सॉल्यूशंस नहीं आते। क्योंकि जब समस्या है ही नहीं लेकिन मानी हुई है, तो उसका सॉल्यूशन कहां से आएगा, हमारा दिमाग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, और जब दिमाग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता तो हमारा दिमाग लगातार चलता रहता, लगातार हमें ओवरथिंकिंग होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मानी हुई समस्या,
या मैं ये कह सकता हूं कि मानी हुई कमी। अगर आप कहीं पर भी कमी बोल देते हो तो उस कमी में फिर आपका दिमाग उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, उसमें दिमाग के अंदर फिर थॉट्स स्टार्ट होते हैं और थॉट्स स्टार्ट होते हैं दिमाग काम करता है। अगर वो कमी वास्तव में है तो वो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर वो कमी झूठी है, फॉल्स है, उस कमी का सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ हमारे दिमाग ने माना हुआ है कि कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता और हमारा दिमाग शांत नहीं होता, ओवरथिंकिंग में चला जाता है, फिर मामला सारा का सारा बिगड़ जाता है। ओवरथिंकिंग हमेशा तभी पैदा होती है जब एक्चुअल में कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी हमने मान रखा है कि कोई समस्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये मान रखा है कि मैं बदसूरत हूं, मैंने ये मान रखा है कि मैं बदसूरत हूं, तो मुझमें किसकी कमी है? मुझमें खूबसूरती की कमी है। अब मेरे अंदर खूबसूरती की कमी है तो दिमाग इस खूबसूरती की कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा और यह कमी किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो सकती क्योंकि मैंने माना हुआ है। अब इस बदसूरती को दूर करने के लिए मान लीजिए कि मैं क्या करूंगा, फिर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करूंगा। अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लिए, मैंने पोत लिया अपना चेहरा, अब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोग तारीफ कर रहे हैं, वो मेरी तारीफ नहीं कर रहे, वो इस ब्यूटी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, और जब ब्यूटी प्रोडक्ट की तारीफ हो रही है तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। तो मेरा ये जो बिलीफ है ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और जब बिलीफ नॉर्मल नहीं हो पाएगा तो मेरा दिमाग शांत भी नहीं हो पाएगा और मैं किस में चला जाऊंगा? ओवरथिंकिंग के अंदर चला जाऊंगा, और जैसे ही मैं ओवरथिंकिंग में गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और उसके बाद में हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल कम, मामला सारा का सारा गड़बड़। यहां पर मैंने मान लिया कि मैं बदसूरत हूं। इस प्रकृति के अंदर हम जितने भी लोग हैं, प्रकृति का किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्रिएशन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी प्रकार का पेड़ है, किसी भी प्रकार का जानवर है, जितने भी क्रिएशन है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है, अपने आप में यूनिक क्रिएशन है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। किसी भी क्रिएशन का किसी दूसरे क्रिएशन के साथ में किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं है और ना ही हो सकता है। आप सेब को आम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आम को आप केले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, केले को आप आलू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आलू को आप पेड़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पेड़ को आप हाथी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हाथी को आप इंसान के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, मेल को आप फीमेल के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, और अलग अलग जो फीमेल्स हैं उनको भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, अलग अलग मेल है आप उनको भी कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक क्रिएशन इस दुनिया के अंदर अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बेहद खूबसूरत है। खूबसूरती का किसी के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने आप को बदसूरत मान लिया, अगर हमने किसी भी प्रकार के कंपैरिजन से अपने आप को बदसूरत मान लिया, तो आपका दिमाग इस खूबसूरती के लिए काम करना शुरू करेगा और ओवरथिंकिंग में चला जाएगा। आप चाहे नहा लो, आप चाहे क्रीम लगा लो, आप चाहे मेकअप कर लो, आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपसे लोग पूछेंगे, वाह आज तो बहुत ज्यादा तैयार, बहुत अच्छे तैयार हुए हो, क्या किया था, क्या किया था, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या किया था? मतलब फिर आप बताते हो कि मैंने ये क्रीम यूज की, मैं उस पार्लर में गया, मैं वहां गया, उन्होंने ये सारा कुछ किया, इससे मैं सुंदर लगा। तो ये सुंदर उस फिर वो आपके पास में नहीं आएंगे, वो फिर उस पार्लर वाले के पास जाएंगे, वो प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे खुद को भी खूबसूरत करने के चक्कर में, जबकि वो खूबसूरती आपकी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने माना हुआ है, और इस मानवे के चक्कर में जब हमने मान लिया तो हम लोगों के सामने भी फिर कोशिश यही करते हैं कि लोग मुझे देख ना ले, इस मेकअप के बगैर देख ना ले, हम लोगों के बीच में जाने से डरने लग जाते हैं, अपने आप को भगाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये माना हुआ जब तक ठीक नहीं होता ना, तब तक मेरी ये ओवरथिंकिंग नहीं जाने वाली। मैंने मान लिया कि कुछ दिक्कत है, मैंने अपने आप को यह बोल दिया कि मैं खराब हूं, तो दिमाग के सामने एक कमी पैदा होगी किस चीज की, सही की, तो दिमाग काम करना शुरू कर देगा। अब आप अगर कंटिन्यूसली अपने आप को बताए जा रहे हो कि मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, तो दिमाग चाहे अपनी तरफ से कितनी एफर्ट डाल ले, वो इस चीज को ठीक ही नहीं कर पाएगा, वो उसी दायरे के अंदर ही काम करता रहेगा, और आपका दिमाग किस में चला जाएगा? ओवरथिंकिंग के अंदर चला जाएगा। मैंने यह मान लिया कि मैं कमजोर हूं, अगर मैंने यह मान लिया, कमी पैदा कर दी मैंने ताकत की, जबकि हम सभी समान रूप से ताकतवर हैं, हमारे अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी जब मैंने मान लिया ना कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ कम हूं, तो दिमाग आपका जाएगा ओवरथिंकिंग में।
अगर मैंने मेरे पास्ट को बोल दिया कि कुछ गलत हुआ था, मैंने बोल दिया कि पास्ट में खराब हुआ, या मैंने बोल दिया कि मेरा पास्ट खराब था, तो यहां पर किस चीज की कमी होगी? अच्छे की कमी हो गई। और जब अच्छे की कमी हो गई तो हमारा दिमाग इस अच्छाई को पूरा करने में लगेगा, और जैसे ही वो इस अच्छाई को पूरा करने में लगेगा किसकी होगी? ओवरथिंकिंग। अब पास्ट की चीजों को आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? जो हो गया सो हो गया। आप पास्ट में जा सकते हो, नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप उसको खराब बोल दोगे ना, तो फिर आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा कि अच्छा वहां पर क्या करना चाहिए था मुझे, मेरे जो दोस्त है उसको क्या करना चाहिए था, मेरे जो रिलेटिव है उसको क्या करना चाहिए था, वहां पे उसको ये जवाब देना चाहिए था, वहां पे उसको वो बोलना चाहिए था, उसने ये बोल के गलती कर दी, मुझे वहां पे ये रिएक्शन देना चाहिए था, मैंने ये बोल के गलती कर दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। ये फिर कंटिन्यूसली आपके दिमाग में चलेगा और आप किस में चले जाओगे? ओवरथिंकिंग के अंदर चले जाओगे। और आप ओवरथिंकिंग में गए, आगे की कहानी आपको पता है, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स आपका कम हो जाएगा। अगर मैंने अपने पास्ट को खराब बोला, मैंने अगर मेरे प्रेजेंट को खराब बोला, यार मेरी वर्तमान स्थिति खराब है, तो मैंने अगर खराब बोल दिया तो अब दिमाग इसको सही करने में लग जाएगा। यहां पर क्या होने लग जाएगी? ऑटोमेटिकली ओवरथिंकिंग होने लग जाएगी। अगर मैंने मेरे वर्तमान को बोल दिया, अगर मैंने अपने फ्यूचर के लिए बोल दिया कि अरे नहीं यार पता नहीं आगे तो सब कुछ खराब ही होगा, तो दिमाग उसको अच्छा करने, अभी तक है कुछ नहीं है, सब कुछ हाइपोथेटिकल है, लेकिन दिमाग उसको अच्छा करने के लिए बताएगा कि ये कर लूँ तो ठीक हो जाएगा, वो कर लूँ तो ठीक हो जाएगा, ये कर लूँ तो सही हो जाएगा, वो कर लूँ तो सही हो जाएगा। कंटिन्यूसली क्या चलेगी? ओवर थिंकिंग चलेगी, और फ्यूचर को लेकर ऑटोमेटिक क्या हो रही है? ओवर थिंकिंग हो रही है। मतलब आप अगर पास्ट के बारे में भी खराब बोलते हो, अपने वर्तमान के बारे में भी खराब बोलते हो, अपने फ्यूचर के बारे में भी खराब बोलते हो, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं बचा सकता फिर उसमें। तो ये जो लाइन हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए गीता के अंदर एक कॉट है, गीता के अंदर बहुत ही सुपर कॉट है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मतलब आपने बोल दिया कि अच्छे के लिए, मतलब पास्ट क्या था? अच्छा था। और जब पास्ट अच्छा था तो उसको और अच्छा करने की जरूरत नहीं है। दिमाग आपका क्या रहेगा पास्ट के लिए? शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, आप ओवरथिंकिंग के अंदर नहीं जाओगे। गीता के अंदर वर्तमान के जो हो रहा है वो भी अच्छा है। अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा है, इसका मतलब इसको और अच्छा करने की जरूरत नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो दिमाग क्या रहेगा? शांत रहेगा। अच्छा, भविष्य के लिए बोल रखा है कि जो होगा वो भी अच्छा होगा, वो भी अच्छे के लिए होगा। जब वो अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, तो फिर और अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग वहां पे क्या रहेगा? हमारा शांत रहेगा। तो गीता का ये बहुत ही बेहद खूबसूरत कॉट है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो आपका दिमाग क्या रहेगा? कंटिन्यूअसली वहां पर शांत रहेगा, दिमाग है वो रिलैक्स रहेगा। अच्छा, मैंने अगर मेरे पार्टनर के लिए बोल दिया कि मेरा पार्टनर खराब है, मैंने अगर ये बोल दिया मेरा पार्टनर खराब है, तो दिमाग उसमें भी ओवरथिंकिंग में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि पार्टनर खराब है, तो पार्टनर वहां पर पार्टनर के अच्छाई की कमी हो गई, तो पार्टनर अच्छा कैसे हो सकता है? तो फिर दिमाग ये बताएगा कि इसको इस तरह से बोलना चाहिए, इसको ये कपड़े पहनने चाहिए, इसको यहां पर ये रिएक्शन देना चाहिए था, ये नहीं रिएक्शन देना चाहिए था, मैं इसके भले के लिए तो कह रहा हूं, इसको ये क्यों नहीं मान रहा, क्यों मानेगा भी आपका पार्टनर? लेकिन हम उसको क्या करने लग जाते हैं? करेक्ट, और उसके अंदर हमारा दिमाग स्ट्रगल मोड में चला जाता है। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए खराब बोल दिया, आपने अपनी जॉब के बारे में खराब बोल दिया, तो हर जगह आपका माइंड किस में चला जाएगा? ओवरथिंकिंग में जाएगा। तो हम अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर अपने आप को कंटिन्यूसली देते रहते हैं, हर एक चीज के लिए देते रहते हैं, तो हमारा दिमाग कंटिन्यूसली किस में जाएगा? ओवरथिंकिंग के अंदर जाएगा ही जाएगा। हमें इसकी जगह पे अपने सही जो ऑटो सजेशंस है, सही जो एफर्मेशंस है, वो देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। सही तरीके से CBT की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितने भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स में हम किसी भी तरह की कमी वाला स्टेटमेंट ना बोलें। जो मेरा वर्तमान है वो बहुत ही जबरदस्त है, जो पास्ट में हुआ वो बहुत ही जबरदस्त है, किसी भी चीज की गिल्ट नहीं है मुझे, जो हो गया अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। अच्छा, एग्जाम के अंदर बच्चों के साथ में बड़ी दिक्कत होती है, वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने फ्यूचर के लिए बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फ्यूचर में किसकी कमी होगी? सिलेक्शन की कमी होगी, एग्जाम में पास होने की कमी होगी, तो दिमाग ओवर थिंकिंग में जाएगा जाएगा। अगर आप अपने दिमाग को ये बोलते हो नहीं मेरा बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन होगा, मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है जो भी आएंगे मुझे बहुत अच्छा आएगा,
अगर आप अपने आप को ये स्टेटमेंट देते हो तो आपका दिमाग फ्यूचर के लिए भी क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। और जब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से ध्यान दे पाओगे, तो आपके मार्क्स भी क्या आएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मार्क्स आएंगे, जो आप चाहते हो वैसे आपके मार्क्स आएंगे। और आपका दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा, आप एंजाइटी में नहीं जाओगे, आप पैनिक में नहीं जाओगे, आप OCD में नहीं जाओगे। तो अगर हम अपने दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों हमें हमारे इन स्टेटमेंट्स को सही तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतने पास्ट से हम लगातार अपने आप को ये बातें बोले जा रहे हैं, लगातार हम ये बातें बोले जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है। अब जब इकट्ठा हो गई है तो आपका दिमाग यही मान रहा है कि सच में प्रॉब्लम्स है, सच में कमियां हैं, तो दिमाग लगातार चलता रहेगा, ओवरथिंकिंग में चलता रहेगा। फिर आपके हैप्पीनेस का जो लेवल है, आपके हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का जो लेवल है, वो कम होता रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। उसको बढ़ाना है तो चीज़ों को बदलना ही पड़ेगा। आप किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है फॉर्मूला खराब है, तो फॉर्मूले को चेंज करना ही पड़ेगा। दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, हम अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं, नहीं खुलेगा, उसको बाहर ही धक्का देना पड़ेगा। मतलब जो तरीका, जो गलत तरीका हम यूज कर रहे हैं, उस गलत तरीके को हमें सही करना ही पड़ेगा, तभी हम इस चीज के अंदर नॉर्मल हो पाएंगे। CBT को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज के अंदर सही हो पाएंगे, अपने हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम हर चीज के बारे में, मेरा जो वर्तमान है वो बहुत बढ़िया है, पास्ट बहुत बढ़िया था, आने वाला वो भी बढ़िया ही होगा, वो भी अच्छा ही होगा, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में, सब कुछ घटित हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जब आप ऐसा बोलते हो तो आपका दिमाग रिलैक्स होता है, आपका दिमाग शांत होता है, और आपके दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बढ़ता है, और आप आनंद महसूस करते हो, आप मजा महसूस करते हो, आपको बहुत ही ज्यादा मस्ती महसूस होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।